हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल इज पैरेलल टू एम। दो फिगर्स दे रखी है यहाँ पे, दोनों फिगर के अंदर जो एल और एम लाइन है ये आपस में पैरेलल है, ये एल एम पैरेलल है और ये एल और एम ये पैरेलल है, ये इस तरह से वर्टिकल लाइंस दे रखी है सेकेंड फिगर में। ए और बी में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये दिखने में पैरेलल लाइंस लग रही हैं लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। पहले हम फर्स्ट फिगर के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि एल और एम आपस में पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पे 110 डिग्री ये वाला एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे ये एक्स लिखा हुआ है। इस एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। अब इस एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इस एंगल का और इस एंगल का तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, इनका कोई नाम ही नहीं होता इस तरह के एंगल्स का। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि 110 के जो पास वाला एंगल है ना इसे निकाल लें और फिर ये और ये आपस में कोरस्पोंडिंग हो जाएगा तो एक्स पता चल जाएगा। तो इसके पास वाले एंगल को मैं यहाँ कोई नाम दे देता हूँ, लेट सपोज इसका नाम मैं ए रख देता हूँ। तो ए और 110 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का, ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो ए प्लस 110 डिग्री दोनों मिलके 180 डिग्री, रीजन जरूर लिखेंगे लीनियर पेयर। अब ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, ये 110 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। तो जो ए है यहां पे ये 70 डिग्री का होगा। अब क्योंकि एल और एम ये लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल ऐसे काटती है तो जो सेम साइड में होते हैं और सेम पोजीशन पे होते हैं एंगल्स वो बराबर होते हैं, उन्हें ही हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। सेम साइड से मेरा मतलब ये है, ये R फॉर राइट साइड हो गई है ना, ये L फॉर लेफ्ट साइड हो गई है। तो राइट साइड में इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और राइट साइड में दूसरी लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा a के बराबर, जो मैंने a माना हुआ पहले मैं यही लिखूंगा क्योंकि मैंने लेट किया हुआ है ना फिगर में a, और रीजन में लिखूंगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x की वैल्यू हो जाएगी a यानी कि 70 डिग्री। तो इस तरह से हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाए लेकिन हमने पहले इस 110 की हेल्प से इसका साथ ही निकाल लिया और फिर इसकी हेल्प से और इन लाइन इसमें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी का यूज करके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने एक्स निकाल लिया। ये फर्स्ट फिगर का है। सेकंड फिगर में देखिए, सेकंड फिगर के अंदर आपको दिखने में दो लाइंस लग रही होंगी कि पैरेलल है इसमें, लेकिन हमें ए और बी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लिखा है एल पैरेलल टू एम। तो एल और एम ये पैरेलल लाइन मान के ही हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो इस फिगर को अगर आप ऐसे देखो, एल और एम पैरेलल लाइंस हैं और ये जो लाइन है ए ये एक ट्रांसवर्सल है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कटती है तो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल और एक ही पोजिशन वाले, यानी जैसे कि ये राइट साइड होगी, लेट सपोज ये आर मैंने लिखा यहाँ राइट साइड है, तो राइट साइड में इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इसी साइड में दूसरी लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जैसा अभी पिछली फिगर में बताया। तो ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है यहाँ पे कि x की वैल्यू 110 डिग्री होगी, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट ही हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 100 डिग्री, रीजन जरूर लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये जो 80 डिग्री दे रखा है और ये जो बी लाइन दे रखी है ना, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन ये इतना सा सिंपल सा था। तो क्वेश्चन खत्म, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।